बच्चों में, चूँकि बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसलिए कोई भी अगर बच्चे को समस्या आती है तो वो जल्दी घातक रूप ले लेता है। इसलिए सर्दी जुकाम खांसी जो बड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई समस्या नहीं पैदा करता है, लेकिन बच्चों में वो घातक हो सकता है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हो या बच्चा दूध पीने में दिक्कत हो रहा हो, खांसी ज़्यादा आ रही है, तो तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेकर के उसका समुचित इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि सर्दी खांसी और ज़ुकाम को लेकर कोई भी अस्पताल नहीं जाता है, सब अपने आप ही कोई घरेलू उपचार के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स की तरह देखा जाना चाहिए? ऐसे लक्षण जिन्हें देखते ही बच्चों को तुरंत ही तुरंत अस्पताल या चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, तो जैसा आपने सुना ही होगा, तो ये है अपने से खुद से छोटे बच्चों में कभी भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगा ये उनको माता पिता को नहीं पता चलता, और जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तब तक बच्चा काफ़ी गंभीर हो जाता है। इसीलिए किसी भी बीमारी में, छोटा बच्चा में, अपने से या घर में इलाज नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चा सांस खांसी या बुखार की वजह से पीड़ित हो, अगर उसको दूध पीने में दिक्कत आ रही हो, बच्चा सो नहीं पा रहा हो, या उसको सांस तेज चल रहा हो, पंजरी जैसा जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इस समस्या से बच्चा पीड़ित हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि नीम हकीम के चक्कर में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अपने बच्चों के साथ बीमार पड़ने के बाद गलती से भी नहीं करनी चाहिए? क्या कोई दवाइयां हैं, क्या कोई काढ़ा है, या कोई घरेलू उपचार है जिससे माता पिता को हर स्थिति में परहेज करना चाहिए? अभी जो कोरोना टाइम में बहुत ही प्रचार हुआ है, काढ़ा पिलाइए, तो हर तरह का नींबू का रस दीजिए, ये सब चीज़ का तो बहुत प्रचार हुआ है, तो ये सबसे बच्चे को ऐसा सुधार होने का गुंजाइश कम होता है। इसीलिए जब भी सांस की प्रॉब्लम हो या खांसी हो या बुखार आया हो, तो बच्चे को समुचित इलाज डॉक्टर से, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनसे जाके सलाह लेकर के और इलाज करना चाहिए, खुद से या किसी RMP से जाकर के इलाज नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई चीज़ है अगर जो माँ बाप इलाज के नाम पर करें तो उनकी बच्चे की जो समस्या है, जो तकलीफ़ है, और ज़्यादा बढ़ सकती है? घर में बहुत लोग सेकाई करते हैं, जिसे धुआं जला करके आग से सेकाई करने लगते हैं बच्चे को, या फिर विक्स का मालिश करने लगते हैं खुद से, ताकि बच्चा ठीक हो जाए। इससे और समस्या बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि सांस का प्रॉब्लम बच्चे को ऑलरेडी रहता है, और धुआं अगर घर में और भर जाए तो उसकी वजह से समस्या और बढ़ जाती है। उसके अलावा कभी कभी ना बच्चों को दवाई जो है स्टीरॉयड लोग दे देता है, किसी डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब कर दिया है तो वो देख करके, जब सीरियस कंडीशन होता है तभी स्टीरॉयड वगैरह का समस्या दिया जाता है, प्रॉब्लम होता है तब, लेकिन उसको घर में एक बार चल गया तो लोग उस दवाई को बार बार यूज करते हैं अपने से, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बार लिख दिए तो हम फिर इसको दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। खुद से कभी भी इलाज नहीं कराना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर के इलाज करना चाहिए। जी।